हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा ये पैटर्न कैसे बनता है। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों में पैटर्न डालना है, तो देखिए पांच फंदों में से पहले दो फंदे सीधे बुन लेंगे, दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए, फिर दो फंदे सीधे। ये देखिए ये पाँच फंदों में हमारा पैटर्न आ गया। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फर्स्ट रो में हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसेस आगे रिपीट करना है। ये देखिए फर्स्ट में हमने एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेना है, फिर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर पांच फंदों में पैटर्न डालेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर पाँच फंदे सीधे बुनेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट हमारे पाँच फंदे पैटर्न वाले आएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे आएंगे। यही प्रोसेस हमारा आगे रिपीट होता जाएगा और फ्रंट साइड से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, ये तीन फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी साइड। अब पाँच फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर तीन फंदे सीधे आ जाएंगे। ये देखिए ये तीन फंदे हमारे सीधे आ गए। जो फंदे हमारे फ्रंट साइड से उल्टे आएंगे वो बैक साइड से सीधे आएंगे, और जो हमारे फ्रंट साइड से सीधे फंदे आएंगे वो बैक साइड से उल्टे आएंगे। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, एक दो, अब जो जाली से बना फंदा है ये भी उल्टा आएगा, तीन चार, फिर जाली से बना हुआ फंदा उल्टा आएगा, पाँच छः और सात। ये देखिए जिन पांच फंदों में हमने पैटर्न डाला था तो वो बढ़ के दो फंदे हमारे अब सात फंदे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा। तो देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन। ये देखिए ये पैटर्न के तीन फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए, सेंटर का फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पैटर्न आ गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न आ गया, फ्रंट साइड से ये फंदे सीधे आए, बैक साइड से उल्टे आएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ऐसे राइट नीडल में पीछे के दो फंदे उठाएंगे, आगे के तीन फंदे स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इनको लेफ्ट नीडल में उठाएंगे, फिर इन दो फंदों को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए लेफ्ट नीडल में शिफ्ट किया, फिर एक एक करके इन पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे।
ये देखिए ये पांच फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखिए जो फंदे सीधे होंगे सीधे बुनेंगे और जो फंदे उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह बैक साइड से हम अपनी फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए पैटर्न वाले फंदे आ जाते हैं तो चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, यहाँ पे एक जारी डालेंगे एक फंदा सीधा, फिर एक जारी डालेंगे चार फंदे सीधे, ये देखिए धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, पांच फंदे सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो, अब सिक्स रो में देखिए जो फंदे सीधे होंगे सीधे बुनेंगे और जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपनी सिक्स रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो, अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पैटर्न वाले फंदे आ जाते हैं, इनमें से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे। अब देखिए जो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं यहाँ पे से हमारा फंदे घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हम दो फंदे पहले ऐसे उतारेंगे राइट नीडल में और इनको ऐसे लेफ्ट नीडल में पलटा के शिफ्ट करेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, ये देखिए दो का एक कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे। फिर देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ऐसे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ये दो का एक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे फंदे लेस होना स्टार्ट हो गए। फिर देखिए लास्ट में फिर दो फंदे सीधे आ जाएंगे, ये देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन दिए, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ये पांच फंदों में से लास्ट के फंदे ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे, आगे के फंदे स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से ऐसे लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। फिर देखिए जो राइट नीडल में फंदे हैं उनको भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और पाँचों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये पांच फंदे हमने ट्विस्ट कर दिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो, एट्थ रो में जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको हम सीधा बुनते हुए बैक साइड से अपने एट्थ रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, नाइन्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदों को एक साथ बुनना है तो ऐसे राइट नीडल में दोनों फंदों को उतारेंगे और ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, ये देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है, फिर नेक्स्ट देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर देखिए दो फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे,
धागा पीछे, पांच फंदे सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से टेंथ रो। अब टेंथ रो में देखिए जो फंदे उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे, जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपनी टेंथ रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवंथ रो। अब इलेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। नेक्स्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने हैं। दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए इन तीनों फंदों को ऐसे राइट नीडल में उतारेंगे, फिर पलटा के ऐसे लेफ्ट नीडल में तीनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और तीन का एक कर लेंगे। ये देखिए तीन का एक कर दिया। फिर दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ये देखिए फंदे घटाने के बाद ये हमारे फिर पांच फंदे आ गए। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। तो देखिए पीछे के फंदे फ्रंट साइड की तरफ से राइट नीडल में उठाएंगे और आगे के फंदे बैक साइड की तरफ से लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। ये देखिए फिर इन पांच फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए पांच फंदे सीधे बुन दिए ट्विस्ट करके। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी इलेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से ट्वेल्थ रो। अब ट्वेल्थ रो में जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे, जो फंदे सीधे होंगे उनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपनी ट्वेल्थ रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड से देखिए जो फंदे उल्टे थे उनको हमने उल्टा बुना और जो फंदे हमारे सीधे थे उनको हमने सीधा बुना। यही प्रोसेस बैक साइड से हमने पूरे पैटर्न में रिपीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्टीन रो। थर्टीन रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिफ्ट होगा। तो देखिए जो हमारा ये ट्विस्ट वाला पैटर्न है वो लीफ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जो लीफ वाला पैटर्न है वो ट्विस्ट पैटर्न के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए रिपीट एंड शिफ्ट की एक रो। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। तो देखिए पीछे के दो फंदे आगे की साइड से हमने ऐसे राइट नीडल में उठाने हैं, आगे के तीन फंदे स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इन तीन फंदों को लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। फिर देखिए जो राइट नीडल में दो फंदे हैं इनको भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये पांच फंदों को हमने ट्विस्ट करके सीधा बुन दिया और देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे शिफ्ट होने लग गया। धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों में पैटर्न डालना है। तो देखिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड, लास्ट के तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी थर्टीन रो कंप्लीट हो गई। थर्टीन रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिफ्ट हो रहा था। बैक साइड से जो हमारी फोर्टीन रो आएगी उसको हम सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट एंड शिफ्ट करते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।